जो मैं समझ कर आज मैं आपको कक्षा दूसरी का बड़ी बताऊंगी। अध्याय 13 आप लोगों का प्रदर्शन नंबर 1 नीचे दिए चित्रालेख में एक विद्यालय की विभिन्न वर्षों में बच्चों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखिए 2002 में 3 बच्चे, 2003 में 5 बच्चे, 2004 में 4 बच्चे, 2005 में 6 बच्चे और 2006 में 7 बच्चे, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे। तो इसी के आधार पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको इसी के आधार पे देते चलना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2003 में विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2003 में कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने बच्चे हैं, 5। तो आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। ख, किस वर्ष में विद्यालय में सबसे कम बच्चे थे, तो कौन से वर्ष में सबसे कम बच्चे दिख रहे हैं, तो देखिए 2002 में सबसे कम बच्चे हैं 3 बच्चे, बाकी सब में 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो 2002 में सबसे कम, यहाँ पर लिखेंगे 2002, ठीक है। ग, किस वर्ष में विद्यालय में सबसे अधिक बच्चे थे, तो यहाँ पे देखिए कौन से वर्ष में सबसे अधिक बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 2006 में कितने बच्चे, 7, और बाकी सब में 5 से कम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2006। घ, वर्ष 2005 में बच्चों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे देखिए 2005 में कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने बच्चे हैं, 6। तो 2005 में कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या 6। तो इस तरीके से अध्याय 13 में हमने आंकड़ों का प्रदर्शन पढ़ा। तो जैसे मैंने